के तहत मेयर व पार्षद पद के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना की गई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना में 10 बजे के बाद से लगातार रुझान आने शुरू हो गए। ऐसे में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों ने अपने नए प्रतिनिधि का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 9 नकहा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशांक सोनकर ने जीत दर्ज कर पहली बार इस वार्ड में भाजपा का कमल खिलाने का कार्य किया। उन्होंने इस जीत का श्रेय वार्ड की जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वार्ड नंबर 9 नकहा के नव निर्वाचित पार्षद शशांक सोनकर ने बताया, जीत भैया लगभग 700 वोटों से हुई है। अभी तक भाजपा यहां से कभी भी जीती नहीं थी, कमल कभी नहीं खिला था, तो इस बार ये ऐतिहासिक जीत है। वार्ड में लगातार ये हालत की भारी है, उसको लेके भी देखिए विरोधियों को कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने गलती, मगर मेरा जो घर है वो दूसरा घर मेरा वार्ड का पे ही है, सटा हुआ बॉर्डर है वो। भैया प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसे वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ जल निकासी रोड नाली सबकी बहुत समस्या है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वहाँ पे जनता को अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छी रोड नाली बिजली की व्यवस्था कराई जाए।